हाई एवरी वन वेलकम टू करण क्रंच तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक फाइव यूनिट से आपका तो आज उसका पहला चैप्टर कवर करना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट छोटा टॉपिक है तो इस वीडियो में कवर हो जाएगा ठीक है तो जैसे ही आपका यूनिट फाइव कंप्लीट होता है साथ साथ मैं आपका यूनिट सिक्स भी कराऊंगी और कुछ दिनों के बाद आपको पी डी एफ मिल जाएगा उसका टेलीग्राम ग्रुप पर मैं अपलोड कर दूंगी एंड उसके साथ ही हमारा स्पेशलाइजेशन जब का जो कोर्स है वो ओवर हो जाएगा इसके बाद में क्या करूंगी इसमें क्या चलेगा एम सी क्यू सीरीज तो चलती रहेगी चैप्टर वाइज एंड प्लस मैं एक रिविजन सीरीज भी लेके आऊंगी जिसमें हम क्या करेंगे क्विकली सारे यूनिट्स को रिवाइज करेंगे तो वो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए काफी स्पेशली आपके एग्जाम से पहले तो रिविजन के लिए क्विकली आप वो वीडियोज देख सकते हैं ठीक है तो अगर आपको वीडियोज पसंद आ रहे हैं डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मुझे कॉमेंट से बताएं आपको वीडियो कैसे लगते हैं और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि आप फ्री में भी प्रिपरेशन एग्जाम की कर सकते हैं एंड इफ यू वॉन्ट आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं जिसकी साइन यहाँ ऐसी दिखती है और आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा दिस इज मी कुरत मलिक फ्रॉम करण क्रंच इंजीनियर रिसर्च स्कॉलर इन सोशोलॉजी यू नेट क्वालिफायर इन सोशलॉजी आई वोट सिक्स प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड आईव टॉटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक स्टडी आई क्यू एंड अकेडमी जहाँ से आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच आज का टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो इसके रिलेटेड कुछ बातें हमने ऑलरेडी कवर की हैं जैसे डेवलपमेंट की हमने स्टेजेस पढ़ी हुई हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ठीक है और हमने सोशलाइजेशन की थियोरीज करी हैं वहां से भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपका कुछ इसका कवर हो जाएगा तो वो मैं स्लाइड में आपको बताऊंगी कौन सा वाला पोर्शन हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से <clears throat> देखो ग्रोथ क्या होता है ग्रोथ को हम उस चीज को हम ग्रो करना बोलते हैं जिसको हम मेजर कर सकें क्वांटिटी में जो एक क्वांटिटी में आपको मिलेगी फॉर एग्जाम्पल आपकी हाइट आज से छह साल सात साल पहले जितनी थी अब उससे इंक्रीज हुई होगी दैट मीन्स आपकी ग्रोथ हुई है ठीक है आपका वेट अगर पहले ट्वेंटी ट्वेंटी कम हो गया ना अगर आपका वेट पहले फिफ्टी फाइव के जी आज आपका वेट सिक्सटी फाइव के जी है तो आपकी ग्रोथ हुई है या ग्रोथ आपको पॉजिटिव भी देखने को मिलेगी नेगेटिव भी हो सकता है आपकी वेट में कुछ ये माइनस भी हुआ हो आप सिक्सटी फाइव से फोर्टी फाइव के जीज आपका वेट हो गया हो तो ग्रे ग्रोथ जो है वो आपको दोनों डायरेक्शन में उसमें चेंज देखने को मिलती है ठीक है ये आपको याद रखना है एंड ग्रोथ होता है वो एक्सटर्नल प्रोसेस है जिसको आप एक्सटर्नली मेजर कर सको और वो जो विजिबल होता है जो आपको दिखता है तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल मेचुरेशन एंड इज इंडिकेटेड बाय एन इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी एंड इट्स वेरियस ऑर्गन्स ठीक है in organs, वो सारी चीजें आपकी इंक्रीज हो जाती है उनका साइज इंक्रीज हो जाता है वो आपकी ग्रोथ हो गई तो ये इंसान की लाइफ में क्या लाती है क्वांटिटेटिव चेंज लाती है क्वांटिटेटिव मीन समथिंग दैट कम्स इन सर्टेन टाइम सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी और आप उसको मेजर कर सकते हो ठीक है दैट इज ग्रोथ फॉर यू आगे देखते हैं डेवलपमेंट में भी डिफाइंड एज फिजोलॉजिकल मेच्यूरेशन एज इज इंडिकेटेड बाई अचीवमेंट ऑफ द मेंटल सोशल एंड इमोशनल एबिलिटीज अब देखो इसका क्या मतलब हुआ अब डेवलपमेंट आपको क्या बताता है अभी तक हमने ग्रोथ क्लियर हो गया आपको ग्रोथ होता क्या सिंपली जैसे आपका इंक्रीज़ होना साइज ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स वगैरह जो आप मेजर कर सकते हो वैसी सारी चेंजेस अब डेवलपमेंट क्या बताता है जो भी आपकी चीज़ों में ग्रो हुआ है आपकी लाइफ में जो ग्रोथ हुई है क्या उन चीज़ों से आपने अचीव किया है लाइफ में कुछ क्या आपकी मेंटल एबिलिटीज़ में वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है क्या आपने लाइफ में कुछ स्किल्स सीखे हैं ठीक है आपके कग्नेटिव इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो हैं वो कहाँ तक पहुंचे हैं क्या इमोशनली आप जो है आपके लाइफ में आपने इमोशनल चीज़ों को रेगुलेट करना सीखा है फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को गुस्सा बहुत आता है एंग्जाइटी होती है या गुस्सा आता है एंगर होता है तो वो इमोशंस कैसे आप डिस्प्ले करते हो क्या गुस्से में आप चीज़ें तोड़ फोड़ना शुरू कर देते हो या आप अपने गुस्से को काबू कर पाते हो तो इमोशनली आप लाइफ में कहाँ पहुँचे हो अपनी इस एज की और बॉडी की ग्रोथ के साथ मेंटली आप लाइफ में कहाँ पहुँचे हो सोशली आप लाइफ में कहाँ पहुँचे हो दैट मीन्स आपका फैमिली और सोशल सर्कल है उनके साथ आप किस हद तक एडजस्ट कर सकते हो ठीक है तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं आपकी लाइफ की क्वालिटी जो बताता है कि आपकी लाइफ कहाँ डेवलप किस सेंस में डेवलप हो रही है आपकी लाइफ में डेवलपमेंट आई है कि नहीं कि जो ठीक थी, है आप थर्टी ईयर्स के हो या ट्वेंटी फाइव ईयर्स के हो इतनी सारी आपकी लाइफ में जो है ग्रोथ आ गई क्या उस ग्रोथ के साथ ये चीज़ें समझ में आ रही हैं ये चीज़ें दिखती हैं कि मैंटली आप लाइफ में कहाँ पहुँचे हो इमोशनली आप लाइफ में कहाँ पहुँचे हो सोशली आप लाइफ में कहाँ पहुँचे हो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको इंडिकेट करेंगी कि आपकी लाइफ में डेवलपमेंट कैसी हो रही है ठीक है इमोशनली आप कितना आगे हो लोगों से सोशली आप कितना खुद को एडजस्ट कर पाते हो अपने सोशल सर्कल में और फैमिली में तो ये आपको बताएगा आप कितना डेवलप हो रहे हो इनको हम क्वालिटेटिव चेंजेस बोलते हैं हैं क्योंकि ये करते हैं growth, ये करते आपकी लाइफ की क्वालिटी एज ग्रोथ सिर्फ आपको चेंज देता है कि अमाउंट में आपकी लाइफ में कितना इंक्रीज आया है ठीक है तो इसको हम बोलते हैं डिफाइन करते हैं एज फिजोलॉजिकल फंक्शनल मेच्योरेशन देखो मेच्योरेशन क्या होता है कि आपका जो चेंज होता है आपके ब्रेन में या आपके नर्वस सिस्टम में ठीक है वो होता है कि चेंज आपकी चीजें कितनी मच्योर हो रही हैं तो आप इसको बोल सकते हो ये डिपेक्ट करता है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मच्योरेशन ठीक है एक दिन पहले मैं ये रेज कर देती हूँ तो मच्योरेशन क्या होता है ये आपको बोलता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये ये चीज डिपेक्ट करता है ठीक है जिससे जो किससे पता चलता है कि आपका चेंज इन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम कैसा चल रहा है तो ये जो है मच्योरेशन फिजोलॉजिकल मच्योरेशन होना ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके किसके लिए आपके डेवलपमेंट के लिए अगर आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है जो आपका नर्वस सर्किट सिस्टम है अंदर दिमाग के अंदर जो आपका नर्वस सिस्टम है अगर उसके सारे तार सही से नहीं जुड़े हैं तो आपकी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है अगर आप सिक्सटीन ईयर्स के हो दैट मीनस ठीक है बॉडीली आपने ग्रो किया है लेकिन आपकी मेंटल एज भी सिक्सटीन ईयर्स की है उससे ज्यादा की होनी चाहिए वो चल जाएगा सिक्सटीन ईयर्स के हो लेकिन ट्वेंटी ईयर्स की तरह या ट्वेंटी फाइव ईयर्स के मच्य अडल्ट की तरह सोचोगे मतलब डेवलपमेंट हो रही है लेकिन अगर आप सिक्सटीन ईयर्स के हो आप सिक्स ईयर ओल्ड की तरह बिहेव नहीं कर सकोगे दैट मीन्स आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है ना मतलब कोई मेडिकल कंडीशन है इसीलिए बोला जाता है इसको फिजोलॉजिकल मेचूरेशन की एटलीस्ट आपका जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम है वो सही से ग्रो कर रहा होना चाहिए जो फिर डिपेक्ट करेगा आपकी बाकी अचीवमेंट्स में कि मेंटली आप कहाँ हो इमोशनली आप कहाँ हो सोशली आप लाइफ में कहाँ हो तो ये था एक छोटा सा डेवलपमेंट का अनग्रोथ का तो इसमें आपको याद रखना है ग्रोथ क्वांटिटेटिव है डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव है इसको हम प्रोग्रेसिव बोलते हैं क्योंकि ग्रोथ हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट को हम प्रोग्रेसिव बोलते हैं क्योंकि डेवलपमेंट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है आप डेवलपमेंट में नेगेटिव नहीं बोल सकते ठीक है ये इसको एक ही डायरेक्शन में चल रहा है आगे की तरह आपकी डेवलपमेंट हो रही है दैट मीन्स तरक्की हो रही है क्वालिटी बढ़ रही है लाइफ की मतलब आप मेंटली इमोशनली सोशली आप स्ट्रांग हो रहे हो एंड ये ऑर्डर में चलता है एंड कोहरन एक लॉजिकल चेंजेस आती है लाइफ में ऑर्डर में कैसे चलता है जैसे हमने वेरियस स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देखी है तो हमें पता है एक जो जीरो से फोर ईयर या जीरो से वन ईयर का एक जो बच्चा होता है इन्फेंट होता है उसकी डेवलपमेंट किस हद तक होनी चाहिए वो आपकी तरह तो नहीं बिहेव कर सकता ना एक साल का बच्चा या आप एक साल के बच्चे की तरह तो बिहेव नहीं कर सकते उसको डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे तो ये एक ऑर्डर में चलेगा एज बाय एज आपको कौन सा डेवलपमेंटल माइलस्टोन अचीव करना है ये एक प्री डिटर्मिन ऑर्डर जो होता है वो डिपेक्ट करता है अब इनकी हम थोड़ी ये देख लेते हैं डिफरेंसेस ये रेफर्स टू तो सिर्फ फिजियोलॉजिकल चेंजेस फिजियोलॉजिकल चेंजेस यही कि आपकी ह्यूमन बॉडी कैसे फंक्शन करती है क्या फिजिकल केमिकल प्रोसेस चल रहा होता है आपकी बॉडी में जैसे आपके ऑर्गन सही से, से काम करते हैं सेल्स टिश्यूज वगैरह सही से काम करते हैं वो दिखाता है आपकी ग्रोथ लेकिन जो डेवलपमेंट है ये बताता है ओवरऑल चेंज इंडिविजुअल में जैसे मैंने अभी कहा मेंटल लेवल पे सोशल लेवल पे इमोशनल लेवल पे इट इन्वॉल्व चेंजेस इन ऑर्डरली एंड कोहरन टाइप टवर्ड्स द गोल ऑफ मेच्योरिटी ठीक है वो मेच्योरेशन क्या होता है वो भी हमने किया ये क्वांटिटेटिव रेस्पेक्ट में आपको दिखाता है चेंज डेवलपमेंट चेंजेस क्या दिखाता है आपको इन क्वालिटी अंग विद क्वान्टिटेटिव आस्पेक्ट तो इसमें सिर्फ क्वान्टिटेटिव आ गया इसमें डेवलपमेंट में आप क्वान्टिटेटिव भी देखोगे क्वालिटेटिव भी क्वांटिटेटिव क्यों है इसमें पहले मैंने आपको जैसे मचूरेशन का कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको का क्या होता है ये बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर आप चाहते हो कि आपके स्किल्स जो है प्रॉपरली डेवलप हुए हो तो पहले जरूरी है कि आपका जो माइंड है अगर आप थर्टी टू ईयर्स के हो और आप चाहते हो कि आपकी कग्नेटिव एबिलिटीज इंक्रीज हो जाए आपकी स्किल्स इंक्रीज हो जाए तो ये जरूरी है आपकी ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसकी जो ग्रोथ है वो थर्टी टू ईयर्स एडल्ट की जैसी होनी चाहिए ठीक है दैट मीन्स वो ग्रोथ जो है प्रॉपरली होनी चाहिए बायोलॉजिकल ग्रोथ आपकी सही से होनी चाहिए ठीक है माइंड आपका जो ब्रेन है और नर्वस सिस्टम सही से ग्रो होना चाहिए तभी आपकी डेवलपमेंट भी सही से हो जाएगी इसलिए बोला जाता है ग्रोथ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ डेवलपमेंट कॉन्टिन्यू अब डेवलपमेंट जब से आप पैदा हुए हो तब से लेकर जब तक आपकी डेथ हो जाएगी तब तक डेवलपमेंट होती है लेकिन ग्रोथ एक एज तक ही होती है आपकी फिंगर्स पूरी ग्रो हो गई हैं इससे ज़्यादा आपकी फिंगर्स ग्रो नहीं कर सकती आपकी हाइट अब बढ़ गई है इस एज में इससे ज़्यादा आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती अब तो इसीलिए बोला जाता है ग्रोथ जो है पूरी लाइफ तक आपको नहीं चलेगी ग्रोथ जो है मच्योरेशन के बाद स्टॉप करती है एक बार ही आपने वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सारे अपने फाइनल लेवल तक अचीव कर लिए जितना जिस ऑर्गन को डेवलप होना था वो ऑर्गन उतना डेवलप हो गया आपका ब्रेन उतना डेवलप हो गया वहां से फिर आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी एंड ये होती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स की वजह से लेकिन जो डेवलपमेंट है ये अकर्स बोथ ड्यू टू बोथ मच्योरेशन एंड इंटरेक्शन विद द एन्वायरमेंट ठीक है तो इसमें आपको मच्यशन वाला पार्ट भी मिलेगा जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया प्लस आपको इसमें लर्निंग वाला पार्ट भी मिलता है जो आप सीखते हो अपने एन्वायरमेंट से एंड मैंने आपको सोशलाइजेशन में बोला है सोशलाइजेशन इंसान के लाइफ के थ्रू आउट चलती जाती है आप जिंदगी भर चीजें सीखोगे एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब तक आप सीखोगे नहीं आपकी तब तक डेवलपमेंट नहीं हो जाएगी लर्न करना चीजों को उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपका बाद में अनलर्न करना है सीखी हुई चीजें भूलना भी जरूरी है एंड फिर नई चीजों को सीखना भी जरूरी है तो लाइफ लॉन्ग लेसन एक ले लो लर्न अनलर्न एंड रीलर्न जो है आपकी लाइफ के लिए हम सबकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसी का मतलब हुआ कि डेवलपमेंट क्यों हमेशा होती है क्योंकि उसमें तो एक आपका क्वांटिटेटिव वाला पार्ट भी आता है मेचुरेशन वाला भी एंड देन इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट दट इज अ लर्निंग वाला पार्ट भी उसमें आ जाता है जो आप जिंदगी भर सोशलाइजेशन में रहते हो और चीजें नई नई सीखते रहते हो जो ग्रोथ है इसमें वो सेलर होती है इसमें जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशनल होती है जैसे मैंने कहा ग्रोथ आपके किससे रिलेटेड होगी आपके मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स से लेकिन डेवलपमेंट बाद में किस चीज में दिखती है कि आप मेंटली कितने ऑर्गेनाइज हो सोशली कितनी ऑर्गेनाइज हो ठीक है वो सारी चीजें ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस डेवलपमेंट इज वाइडर एंड कॉम्प्रेहेंसिव टर्म ये हो गया क्लियर है मैंने बताया ये स्ट्रक्चरल प्रोसेस है और ये फंक्शनल प्रोसेस है क्योंकि ग्रोथ आपको एक स्ट्रक्चर बताता है हमें पता है जब बच्चा टू ईयर्स का होगा किसी एक अमाउंट तक उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज होनी चाहिए किसी एक अमाउंट तक उसका वेट बढ़ना चाहिए ठीक है तो वो सारी चीजें आपको एक किसी चीजों का एक स्ट्रक्चर बताती है लेकिन डेवलपमेंट डेवलपमेंट जो है ये फंक्शनल प्रोसेस है क्योंकि आपको फंक्शन बताता है या आपको कुछ माइल बताता है जो बच्चों को विद एज अचीव करने होते हैं इसको हम फंक्शनल बोलते हैं इसको हम स्ट्रक्चरल और एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अब क्या क्या फैक्टर्स जो इनको इफेक्ट करते हैं हेरिडिटी ठीक है आपके जीन्स में होता है जैसे किसी कोई काफी इंटेलिजेंट होता है एक्सपेक्टेड होता है उनके बच्चे भी काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे किसी की कोई हाइट होती है कोई बॉडी स्ट्रक्चर होता है तो वो आपके जीन्स के थ्रू आगे आगे जनरेशन में पास होता है न्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन रहोगे तो भी आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा आपको ओवर न्यूट्रिशन मिलेगा तो भी असर पड़ेगा मोटापा ओबिसिटी वगैरह वहां से आ जाती है सोशो इकोनॉमिक आपका पॉवर्टी भी इफेक्ट करती है अगर पॉवर्टी होगी दैट मीन्स आप न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं दोगे अपने बच्चों को पॉवर्टी की वजह से हो सकता है आप उनकी सोशलाइजेशन पे उतना ध्यान नहीं दे पाओ हर टाइम तो आप दो वक्त ही रोटी कमाने में ही लगोगे तो बाकी चीजें उनके अंदर कब सिखाओगे बाकी जो बेसिक मैनर्स एथिक्स डिसिप्लिन वगैरह उनके अंदर डालना वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा तो इसीलिए इन सारी चीजों से भी बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर पड़ता है जो बाद में हमें एडल्ट लाइफ में देखने को मिलता है इन्वायरमेंट कैसा मिलता है आपको एनवायरमेंट मतलब जब एक लेडी प्रेगनेंट होती है क्या वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रही है वो भी कल को जो बच्चा बाहर आएगा उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा तो प्री नेटल होता है या एंटी नेटल भी उसको बोलते हैं जो प्रेगनेंसी में फीटस का हाल आप रखोगे ठीक है कई क्या होता है कई फैमिलीज में प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उनके बीच में लड़ाइयाँ मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है फैमिली में हस्बैंड के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो बहुत स्ट्रेस लेती हैं उस स्ट्रेस का असर सीधे उनके बेबी पे पड़ता है फीटस पे पड़ता है तो ये सारी चीजें कैसा एनवायरमेंट आप उनको दे रहे हो बाद में पैदा होने के बाद प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हो कि नहीं अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग करते हो बच्चों को कि नहीं वो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर पड़ता है उससे जो बच्चा पैदा होने के बाद जो फर्स्ट टाइम दूध पीता है उसमें क्लॉस्ट्रम निकलता है जिसको गोल्डन मिल्क बोला जाता है ठीक है तो उसमें उस क्लॉस्ट्रम में इतना फायदा है जो लैक्स ऑफ अमाउंट ऑफ वैक्सीन अगर आप बच्चे को दोगे उतना फायदा उस क्लॉस्ट्रम में होता है तो क्या आपने बच्चे को दिया है कि नहीं उस ज में चाहे आपको ना पता चले लेकिन जब बच्चा मच्योर हो जाएगा तब आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी कि उस क्लॉस्ट्रोम का कितना फायदा उस बच्चे को हुआ होगा तभी हिंदी पुरानी मूवीज में ऐसा बोला जाता था माँ का दूध पिया है तो सामने आओ क्योंकि माँ के दूध में काफी ज्यादा ताकत है वो आप बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिटरमिन करता है कभी ये सुना है किसी ने इलेक्ट्रोजन इलेक्ट्रोजन बोलते हैं उसको कि नैनो नैन प्रो समथिंग वो पिया है डब्बे का दूध पिया है तो वो सामने आओ ऐसा नहीं बोलते ना माँ का दूध पिया है तो वो माँ का दूध जो है वो न्यूट्रिशन देता है बच्चे को जिससे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है फिर सीजन सीजन का भी असर पड़ता है क्योंकि किसी सीजन में आपको अकॉर्डिंगली न्यूट्रिशन लेना होता है समर्स में आप पानी ज्यादा पीते हो विंटर्स में आपको अपने हिसाब का न्यूट्रिशन लेना होता है क्योंकि एक्टिविटीज कम होती हैं तो ओबेसिटी वो वजन ज्यादा ना हो जाए वो सारे चांसेस तो वो आपके सीजन डिटर्मिन करते हैं इमोशंस अब जो बच्चे उन फैमिली से आते हैं जिनके फैमिलीज में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ठीक है हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो या इन लॉज के साथ मदर का कॉन्फ्लिक्ट हो कोई तो ये सैडली उन बच्चों पे काफी असर पड़ता है क्योंकि जब वो बड़े हो जाते हैं उनने यही चीज देखी होती है देखो आप आज जो अपनी लाइफ जैसे जी रहे हो ना आप अपने बच्चों के लिए एक कल छोड़ के जा रहे हो कल छोड़ के जा रहे हो इन द सेंस की अगर आप अभी गलत चीजें सारी बर्दाश्त करोगे अपने अंदर लोगे लोगे तो आप दिखाओगे बच्चों को पेशेंट रहना है पूरी लाइफ एंड गलती के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी है नजायज आवाज उठाना नहीं पर एटलीस्ट जब बहुत पानी सर से ऊपर चला जाए आप तब भी पेशेंट हो ठीक है तो आपका बच्चा क्या सीखेगा गलत बर्दाश्त करो इन जिंदगी भर पेशेंट रहो कल को आपका बच्चा भी वही करना शुरू हो जाएगा ठीक है अगर बेटा देखेगा आज के पापा मामा से कैसे बात करते हैं कल को जब उसकी वाइफ आएगी वो भी अपनी वाइफ को वैसे ही ट्रीट करेगा हाई चांसेस है तो वो सारे जो इमोशंस हैं जो आपकी फैमिली में अभी करंटली रन हो रहे हैं वो सारे बच्चे की कल को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी असर डालते हैं क्रॉनिक डिजीज़ कई बच्चों को पैदा होते ही कोई प्रॉब्लम होती है हार्ट में प्रॉब्लम होगी किडनी में होगी कई उनको शुगर स्टार्टिंग से ही हो जाता है तो वो सारी चीज़ें भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर डालेंगी एंड ग्रोथ पोटेंशियल जैसे कोई पैदा होता है अंडर पैदा हो गया तो काफ़ी उसका वेट कम रह जाता है फिर उसकी हाइट प्रॉपरली ग्रो नहीं करती तो इन सब चीजों का ये असर देखते देखने को मिलता है कि फ्यूचर का उनका ग्रोथ पोटेंशियल कैसा होगा अंडरवेट बेबी का हाई हाँ चांसेस है कि उनका ग्रोथ पोटेंशियल वैसा ही और जिंदगी भर वो अंडरवेट रहे ऐसा जरूरी नहीं जनरल नहीं है कोई रूल लेकिन चांसेस ज्यादा है किसी बच्चे की हाइट प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रही हो तो हो सकता है पंद्रह साल बाद जब वो सोलह सत्रह साल का हो जाएगा तब भी वो कम हाइट का ही रहेगा तो उसका ग्रोथ पोटेंशियल जो है अकॉर्डिंगली डिटर्मिन होगा तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ग्रोथ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के तो ये एग्जाम में आपके ऐसे आ सकता है कि जैसे आपको फैक्टर्स दे दिए गए हों और बोला हो इनमें से कौन सी चीजें जो है वो ग्रोथ एंड पोटेंशियल पर इम्पैक्ट डालती हैं ठीक अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इसमें हमें क्या देखना है हमें देखनी है कुछ स्टेजेस और किस स्टेज में क्या क्या डेवलपमेंट होती है इंपॉर्टेंट ठीक है इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके ये तीन ही है इन फैंसी अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड क्योंकि इसी में कुछ कंफ्यूजन है बाकी अगर इन वाले स्टेजेस के कोई क्वेश्चन आते हैं कि किस स्टेज में होता है वो आप अपने कॉमन सेंस नॉलेज से भी सॉल्व कर सकते हो तो बर्थ टू टू ईयर जो इन फैंसी टू टू सिक्स अर्ली चाइल्डहुड सिक्स टू ट्वेल्व लेटर चाइल्डहुड 12 to 18 adolescents, 18 to 14 young adulthood, 40 to uh, 18 to 40 young adulthood, 40 to 65 mature, over 65 is aged. तो so, infancy जो होती है, अब पहले वो stage देखते हैं 0 to 2 weeks को neonates बोलते हैं, ठीक है, a neonate जो होता है move towards infancy, a neonate move towards इन फैंसी देर नीड ऑफ अफेक्शन डेवलप्स एज न्यूनेट मूड वर्ड्स ठीक है जैसे वो ऐसा ऐसा न्यूनेट जो दो हफ्ते का बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा उनको अफेक्शन की उनको अफेक्शन की जरूरत होती है उनको आपके प्यार की जरूरत होती है तो नीड फॉर अफेक्शन तब से डेवलप हो जाती है अब देखो अगर uh, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अफेक्शन बच्चे को कब ज़रूरत होती है कब उसको नीड डेवलप होती है अफेक्शन की और आपको ब्रैकेट एग्जाम ऑप्शन में नियोनेट लिखा होगा या इनफेंट लिखा होगा अर्ली चाइल्डहुड लिखा होगा तो इस सिंपल से क्वेश्चन पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हो ठीक है इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि चीज़ें साथ साथ रिवाइज़ किया करो नाइन्थ एंड टेंथ मंथ जो होता है बच्चे का तो आप लोगों उसमें थोड़ी बहुत जेलसी देखने को मिलेगी कि अगर आप छोटा बच्चा जिसका भी होगा वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएगा कि अगर आप किसी और के बच्चे को उठाओ तो आपका बच्चा आपकी तरफ भागेगा तो वो एक जेलसी वाला एलिमेंट बच्चे में आ जाता है जो नॉर्मल होता है बिटवीन टेंथ एंड ट्वेल्व मंथ्स वो एंगर लव सिंपथी फ्रेंडलीनेस वो सारी चीजें जो है वो डिस्टिंग्विश कर पाते हैं इतने छोटे बच्चे को भी पता चलेगा उसको किसकी गोदी में बैठना है और किसकी नहीं कौन उसको गुस्सा दिखाता है कौन उसको सिर्फ उसकी मामा के सामने प्यार कर रहा है ये थोड़ी बहुत चलाकियाँ जो होती है ना बच्चे में इस एज से आना शुरू हो जाती है ठीक है फ्रॉम थ्री मंथ ऑनवर्ड्स दे स्टार्ट बैबलिंग आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा वो तय 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 तू तूता वो सब कुछ करना शुरू हो जाते हैं उसको हम बैबल करना बोलते हैं मोटर एबिलिटी जो होती है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है आपकी इन्फेंसी में ही फ्रॉम हेड डाउन टू द टोज तो सबसे पहली जो मोटर एबिलिटी होती है वो क्या होता है आप अपना गर्दन हिला पाते हो ठीक है आप दूध जो है माँ का वो पीता है बच्चा सकलिंग वाला एबिलिटी तो वो सारी एबिलिटीज जो होती हैं जैसे चीजें ग्रेस करना आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीजें वो आपकी इन्फेंसी में ही डेवलप होना शुरू हो जाती हैं इनफैंट जो है उसका ज्यादा मोटर कंट्रोल होता है ऑफ दी हेड देन ऑफ दी मसल लोअर डाउन द बॉडी तो सबसे पहले इनफैक्ट अपने हेड को ही कंट्रोल करना सीखते हैं क्योंकि दूध पीने के लिए अपना सर घुमाता है वो उसको पता नहीं होता उसको बोलना नहीं आता मुझे दूध दे दो लेकिन अगर आप बच्चे को उठाओगे गोदी में एंड वो ऐसे करके अपनी गर्दन घुमाना शुरू करेगा तो हाई चांसेस है कि वो आपसे दूध मांग रहे हैं तो कंट्रोल ऑफ हेड पहले डेवलप हो गया प्रोग्रेशन ऑफ मोटर कंट्रोल फ्लोज फॉलोज दिस पैटर्न पहले हेड आ जाता है फिर शोल्डर्स फिर आर्म्स फिर एबडोम एंड फाइनली लेग्स एंड फीट तो अपने जैसे चलना वो सबसे लास्ट में स्टार्ट करता है ना तो ये लॉजिकल चीज़ है पैर तो और उसके जो फीट हैं वो बाद में डेवलप उनकी प्रोग्रेशन हो जाएगी और पहले सर फिर ऐसा शोल्डर फिर आर्म्स ये चीजें डेवलप होंगी तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एक्सीज ऑफ द बॉडी आउटवर्ड्स तो कहाँ से डेवलप होती है सेंट्रल एक्सीज से उसके बाद बॉडी आउटवर्ड्स अगर ये बच्चा है तो पहले सेंट्रल मतलब पहले सर फिर आपकी था, आ, आपके आर्म्स उसके बाद लास्ट में फिंगर्स ठीक है फिर वो क्रॉल क्रॉल करेगा दैट मीन्स टांगे पहले और बाद में आपके फीट तो होता है सेंटर से शुरू करते हैं बाहर की तरफ बच्चे की डेवलपमेंट होना शुरू होती है हमें आगे की स्लाइड में भी देखेंगे इसके लिए थोड़े टेक्निकल टर्म्स दो आपको याद रखने हैं कंट्रोल और हैंड्स एंड फिंगर्स कम्स से लास्ट तो ये पेरीफ्री वाली चीजें जो हैं जैसे पैर हो गए एंड उंगलियाँ हो गई उनका कंट्रोल बच्चा लास्ट में सीखता है न्यूबॉर्न बेबीज हैव बिन शोन टू बी केपेबल ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन स्वीट एंड सार टेस्ट तो जो टेस्ट है वो सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड सेंस होता है बच्चे का एट बर्थ वो कौन सा होता है टेस्ट ये भी आप याद रखना वो स्वीट और सार टेस्ट जो होता है वो पहले से ही उसके बीच में फर्क करना सीख जाते हैं बच्चे और स्मेल भी काफी जल्दी जो है बच्चे वो भी रिस्पॉन्स करना स्मेल को स्टार्ट कर देते हैं विद इन टू आवर्स ऑफ बर्थ इसीलिए वो अपनी माँ को अपनी स्मेल से पहचानते हैं ठीक है बाई सिक्स मंथस ऑफ एज जो इन्फेंट्स है वो डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं बिटवीन कलर्स सच एस सर्कल क्या है ट्राइंगल क्या है बिटवीन फेसेस ऑफ पेरेंट्स एंड स्ट्रेंजर्स बाई सिक्स मंथ उनको पता चल जाता है कि हाँ ये माँ ऑल दो अगर वो अभी बात वैसे नहीं कर पाए ठीक है बोल नहीं पाए आप मेरी मामा हो पर वो पहचानना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा ये मुझे रोज मेरा ध्यान रखता है तो ये मेरी मामा है ये मेरे पापा है अगर आप देखो इस एज का बच्चा बेबी सिटर के हवाले कर दो ज्यादा बेबी सिटर ही उसको प्यार करे तो बच्चा ज्यादा अटैच बेबी सिटर से ही हो जाएगा क्योंकि उसका फेस जो है वो उसको वैसे ही रिकोगनाइज करेगा बेबी एट ट्वेल्व मंथ्स अप्रोक्सीमेटली तीस से पचास वर्ड्स जो है बोलना शुरू करता है अठारह मंथ्स टिपिकली प्रोड्यूस अराउंड फोर हंड्रेड वर्ड्स फिर आगे दूसरी स्टेज आपकी अर्ली चाइल्डहुड हुड इसको प्री स्कूल फेज भी बोलते हैं अब आपका बच्चा तीन साल तक का होने लगा तो इमोशन जैसे लव अफेक्शन वो बड़े आराम से आपको शो करता है आपको हक करेगा आपको किस करेगा वो सारी जो स्टेज चीजें हैं वो इस स्टेज में बच्चे की वो अटेन कर लेता है उनको डॉल्स एंड स्टाफ एनिमल्स पसंद होते हैं वो अफेक्शन दिखाना डॉल्स पे या एनिमल्स पे बच्चों अपने डॉल के साथ सोना शुरू कर देते हैं या अगर लड़के होंगे उनको कार्स पसंद होती हैं इस एज में पता नहीं क्यों लेकिन इनको कार्स पसंद आती हैं तो कार्स में वो इमेजिन करेंगे इसमें मामा बैठी है पापा बैठे हैं ये सारी चीजें मतलब उनका जो इमेजिनेटिव पार्ट है वो भी डेवलप हो रहा होता है वेरा सेंसरी मोटर प्रोसेस लार्जली डोमिनेट डेवलपमेंट ज्यूरिंग इन्फेंसी अ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन अकर्स आफ्टर टू ईयर्स चीजों को, को ग्रेस्प करना पकड़ना सर घुमाना बाजू मारना पैर क्रॉलिंग वो इन फैंसी का आ गया ठीक है इवन आप चलना भी शुरू कर देते हो एटीन नाइन मंथ ऑनवर्ड बच्चे चलना शुरू हो जाते हैं एंड uh, जो फिर आपका बाकी थोड़ा रीजनिंग जैसे एब्स्ट्रैक्ट मैंने अभी आपको कहा गाड़ी सामने लाई बच्चे ने यहाँ पापा बैठे गए यहाँ मम्मा बैठेगी तो ये इमेजिनेटिव चीजें ड्राइंग इन्फ्रेंसेस पता चलना कि अच्छा मुझे ऐसे करना है या मम्मा नाराज है पापा नाराज़ है ठीक है या प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कोई क्यूब दे दो बच्चों को और बोलो बॉक्स में डालो तो फिर वो क्यूब किस शेप के किस साइज के बॉक्स में फिट होगा तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सारी चीजें बच्चे इस एज में जो है वो करना शुरू हो जाते हैं लैंग्वेज है वो इस एज में डेवलप हो जाती है वो भी आप याद रख लेना अर्ली चाइल्डहुड एज में आपकी लैंग्वेज डेवलप हो जाती है एंड बच्चों को थोड़ा बहुत जेंडर कैटेगरी का भी पता चलता है कि लड़का लड़की ठीक है का किसको बोलना है की किसको बोलना है ये सारी चीजें फिर आपका लेटर चाइल्डहुड आ गया इस पीरियड में ड्यूरिंग सिक्स टू ट्वेल्व इयर्स ऑफ एज फिजिकल ग्रोथ जो होती है वो इनिशियली स्लो होती है वो मोस्टली अब जो फिजिकल देखोगे ग्रोथ स्पर्ट वो आप टीन एज में देखते हो एडोल्सेंट्स वाली एज में इसमें लेकिन वास्ट इंटेलेक्चुअल मॉरल एंड सोशल डेवलपमेंट हो जाएगी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा बच्चे की बढ़ जाती है रीजनिंग वाला पार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट वो सारी चीजें इसमें आ गई आपके अचीवमेंट से रिलेटेड इसको जीन प्याज़े ने क्या कहा था पीरियड ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन इस वाली स्टेज को ठीक है जब बच्चे की इंटेलेक्चुअल केपेबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है फिर चिल्ड्रन कॉन्टिन्यू टू ग्रो इन स्ट्रेंथ स्पीड कॉर्डिनेशन नीडेड फॉर मोटर स्किल्स ठीक है वो पेड़ चढ़ना दीवारें चढ़ना वो शुरू कर देते हैं और एथेटिक एबिलिटी बच्चे में स्टेज में डेवलप हो जाती है वो गेम्स वगैरह में आराम से पार्टिसिपेट करना जो है वो शुरू हो जाता है बींग एक्टिव एंड पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स जो है वो हेल्थ डेवलप है कॉन्सेप्ट ऑफ देम सेल्स तो आहिस्सा उनको समझ में आता है क्या वो स्पोर्ट्स के लिए बने हैं कि नहीं फॉर एग्जाम्पल या किस एक्टिविटी में वो ज्यादा अच्छे रहेंगे तो ये चीजें आप कहाँ सीखते हो अपनी लेटर चाइल्ड हुड स्टेज में फिर आ गया आपका एडोलसेंस ये आपका टीन है तो इसमें आप बायोलॉजिकली फिजिकली सोशली हर साइड से ग्रो कर रहे होते हैं आपकी बॉडी में काफी चेंजेस आ रही होती हैं ठीक है मेंटली काफी चेंज क्योंकि हार्मोनल जो होते हैं चेंजेस काफी आते हैं आपको इस स्टेज में तो इस वजह से आप कोई चीजें प्रोसेस कर पाते हो कोई नहीं कर पाते हो अगर कोई रिबेल एटीट्यूड का बनता है तो वो अपने टीन में बनता है अपोजिट जेंडर के साथ एक अट्रैक्शन वो यहाँ पे शुरू हो जाती है फाइन तो ये सारी चीजें जो है टीन में देखने को हमें मिलती है कोई गलत रास्ते पर अगर चला जाए ड्रग एडिक्शन स्मोक्स तो वो भी आप टीन में स्टार्ट कर लेते हो तो टीन जो है काफी क्रूशल स्टेज होती है किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए फिर यंग अडल्टुड ये आपके ट्वेंटीज वाला टाइम आ गया इसमें अपने गोल्स एस्पिरेशन वाली चीजों में आ जाते हो कि लाइफ में क्या करना है क्या बनना है जिंदगी ऐसे वेस्ट नहीं करनी है वो सारी चीजें यंग एडल्टुड में आ गई तो शी ही जो है उन्होंने लेबल किया है इस स्टेज को ऐसे द टाइंग ट्वेंटीज बोला है और अर्ली थर्टीज को बोला है एज अ टाइम ऑफ री असेसिंग ठीक है जिसमें आप री असेस करना शुरू कर देते हो कि अभी तक लाइफ में कितना कुछ अचीव किया है एंड कितना कुछ रह गया है फिर मच्योर एडल्टहुड है ये आपका फोर्टीज है इस स्टेज थेरी के अकॉर्डिंग ये सबसे अनहैप्पी अनहैप्पी टाइम है इंसान का क्यों क्योंकि वो एजिंग शुरू हो गई बाल झड़ना शुरू हो गए थोड़े बहुत रिंकल्स आना शुरू हो गए तो आपको वो इसको मिड लाइफ या करियर मिड करियर क्राइसिस भी बोलते हैं कि कुछ किया लाइफ में नहीं किया वो सारे थॉट्स आना किसी का वजन बढ़ जाता है कुछ होता है वुमेन में क्या होता है आपका मेंस्ट्रुएशन ऐसा ऐसा खत्म हो रही होती है आप यू आर गोइंग टुवर्ड्स मेनोपॉज तो ये सारी चीज़ें आपके मच्योर अडल्टुड में आती हैं फिर एज अडल्टुड होता है जिसमें आपको लगता है बस अब लाइफ में सिर्फ सेहत सही रहे वही ठीक है एंड कल को तो बाद में मरना ही है एंड जो डॉक्टर के विजिट्स हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाते हैं तो ये आपकी वो ओवर सिक्सटी फाइव वाली एज है ठीक है और मच्योर वाली जो हमने इससे पहले देखी वो आपकी फोर्टी टू सिक्सटी वाली है तो ये आप यहां से देख सकते हो अपने नोट्स बना सकते हो एंड आई वुड रिकमेंड कि जैसे ही टेबल बना हुआ इसी फॉर्मेट में आप शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स लिखो जैसे लैंग्वेज कहाँ डेवलप हुई मोटर सेंसरी मोटर स्किल्स कहाँ डेवलप हुए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहाँ डेवलप हुई एटलीस्ट इन दो स्टेजेस की आपको नोट इन तीन के आपको नोट्स बनाने हैं क्योंकि इसमें आप एग्जाम में कन्फ्यूज हो सकते हो लेकिन ये जो यंग अडल्टुड मच्योर अडल्टूड ये सारी चीजें हैं ये आप कर लोगे नेक्स्ट में हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं पहले हो गया आपका कॉन्टिन्यूटी मैंने आपको कहा डेवलपमेंट कैसे होती है पैदा होते हो जीरो टू पहले हमने देखा जीरो टू टू ईयर्स ठीक है इन्फेंसी वहां से डेवलपमेंट शुरू हो गई और फिर हमने कहाँ तक देखा जब तक आप सिक्सटी फाइव ओवर सिक्सटी फाइव हो जाते हो ठीक है तो आप मीन्स पैदा होते साथ से लेकर जब तक इंसान मर जाता है तब तक उसकी डेवलपमेंट किसी ना किसी वे में हो रही होती है सिक्वेंशलिटी की डेवलपमेंट जो है ये एक सीक्वेंस में चलती है ऐसा नहीं है पैदा होते ही, आप पहले बोलोगे कि मुझे मैथ्स के क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग की चीज दे दो ऐसा नहीं होगा ना सबसे पहले आपके सेंसरी मोटर एबिलिटीज डेवलप होंगे पहले आपको दूध पीने का वो पता चलेगा आप सर घुमाओगे फिर ऐसा ऐसा स्टेज ईयर बाय ईयर आपकी जो डेवलपमेंटल माइल आप अचीव करोगे तो ये सारा एक सीक्वेंस में चलेगा जैसे हमने अभी स्टेजेस में देखा ठीक है फिर जेनरैलिटी टू स्पेसिफिसिटी पहले ये जेन जेनरलिटी क्या हुआ अब एक बच्चे की एग्जाम्पल लेते हैं जैसे बच्चा पहले क्या करता है वो ऐसे हाथ घुमाता रहता है अपने हाथ पैर मारता रहता है ठीक है कोई एक स्पेसिफिक चीज नहीं कर रहा होता है वो वो बस उसको आदत होती है छोटे बच्चों को अगर आपने देखा होगा अपने हाथ पैर घुमाएगा उसके बाद उसकी डेवलपमेंट क्या होती है वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें ग्रैब करना शुरू करता है अब वो फिंगर से चीजों को पकड़ता है तो मतलब डेवलपमेंट में हम कहाँ से आते हैं जनरलिटी से आते हैं स्पेसिफिसिटी की तरफ जनरलिटी हो गई जब वो सिंपली हाथ पैर अपने घुमा रहा है फिर वो स्पेसिफिक चीजों को टारगेट करके उनको ग्रैस्प कर सकता है वो हो गया आपका जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी फिर हो गया डिफ्रेंशलिटी डिफरेंट अगेन वही है हर स्टेज में आप अलग चीज करोगे आपकी इमोशनल डेवलपमेंट किसी स्टेज में होगी ठीक है आपकी कग्नेटिव एबिलिटी किसी स्टेज में डेवलप होती है लैंग्वेज किसी अलग स्टेज में डेवलप होती है तो वहाँ पे आपको डिफ्रेंसीशन देखने को मिलेगी इनफैक्ट आपको जेंडर्स में डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलेगी जैसे ऐसा बोला जाता है ना कि लड़कियाँ जल्दी बड़ी हो जाती है तो ये फैक्ट है बेसिकली तो उनकी डेवलपमेंट जो होती है थोड़ा जल्दी हो जाती है मच्योर अर्ली हो जाते हैं वो एज कम्पेयर टू बॉयज़ तो ऐसी सारी चीज़ें जो है डेवलपमेंट में भी हमें विद इन डेवलपमेंट भी हमें डिफरेंसिएशन देखने को मिलती है मेच्योरेशन एंड लर्निंग ये हमने कर लिया प्रडिक्टेबिलिटी वो भी आपको यही स्टेजेस से क्लियर हो जाएगा हम अभी प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना कि अगर हमारा बच्चा नाइन मंथ्स का है तो क्रॉल करना चाहिए कि माओ को प्रॉब्लम होती है बच्चा महीने में क्रॉल नहीं करा है वो क्यों क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल नेचर है बच्चे का हमें पता है कि पहले से पता है कि इस एज में वो ये डेवलपमेंटल एल माइल अचीव करना चाहिए तो इनको प्रेडिक्टेबल बोलते हैं अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट ठीक है अब देखो अगर आपका बड़ा बच्चा है टीन एजर बन गया है वो एंड वो इंट्रोवर्ट है वो कम बोलता है तो आपको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन छोटा बच्चा अगर हो गया दो ढाई साल का हो गया एंड वो बात नहीं कर पा रहा है तो वो चीज़ आपको ज्यादा प्रॉब्लम देगी तो इसलिए अर्ली डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा क्रिटिकल मानी जाती है लेटर डेवलपमेंट से क्योंकि वो जो लेटर डेवलपमेंट है वो आउट ऑफ हैबिट्स भी और सोशलाइजेशन की वजह से भी होती है लेकिन अर्ली डेवलपमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यूजुअली कोई मेडिकल कंडीशन होने के चांसेस भी हो सकते हैं डेवलपमेंट हैज़ पोटेंशियल हज़ार्स अब पोटेंशियल हज़ार्स मतलब फ्यूचर हज़ार्स कुछ हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है अभी वो बात नहीं कर पा रहा वो बात नहीं करता है और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि वो बात क्यों नहीं कर रहा है वो तीन साल का हो गया वो चार साल का हो गया बात नहीं कर रहा है एंड घर का घर का कोई बंदा उस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो इसमें क्या हो सकता है लेटर स्टेज में वो कोई मेडिकल कंडीशन निकल सकती है तो इस वजह से इसके पोटेंशियल हज़ार्ड्स भी होते हैं कि अगर डेवलपमेंट सही से नहीं हो रही है मतलब कोई प्रॉब्लम है जो हमें आगे पता चल सकती है Happiness varies at different periods in process. जैसे जो बच्चा होता है ऐसे बोला जाता है कि वो बादशाह है उसको मास्टर बोलते हैं छोटे बच्चे को क्योंकि उस स्टेज में सबसे ज्यादा खुश होता है फिर जैसे वो बड़ा होता जाता है और लाइफ की रियलिटी वो देखता है लाइफ क्या है उतनी उसकी लाइफ से जो खुशी है वो कम हो जाती है जैसे अभी आप लोग खुश नहीं हो क्योंकि आप लोगों को एग्जाम के लिए अभी प्रिपेयर करना है तो यही जो खुशियाँ हैं वो वैरी करेंगी आपके डिफरेंट पीरियड्स एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में अभी आप करियर डेवलपमेंट वाले प्रोसेस में हो अब थोड़ा टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे इसके साथ विल वाइंड अप दिस टॉपिक फिजिकल डेवलपमेंट की की हमने बात की बात वही आगे कैसे आपकी सेंसरी मोटर मोटर स्किल्स स्किल्स जो जो है skills, जो है वो डेवलप होते हैं तो इनको हम फाइन मोटर स्किल्स बोल सकते हैं या ग्रॉस मोटर स्किल्स फाइन मोटर स्किल्स होते हैं फिंगर्स और हैंड्स का कंट्रोल एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स रेफर टू कंट्रोल अवर लिम्स दैट इज योर आर्म्स एंड लेग्स तो एग्जाम में आ सकता है जैसे कोई क्वेश्चन पे फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल नाम मेंशन हो ठीक है तो आपको पता होना चाहिए फाइन क्या हुआ एंड ग्रॉस क्या हुआ एंड इन जो है इज बॉन्ड विद वर्चुअली नो कंट्रोल ओवर देयर बॉडी बच्चे के बेचारे को कोई कंट्रोल नहीं होता अपनी बॉडी पे तो जो पहली डेवलपमेंट होती है वो नेक एंड माउथ की होती है क्योंकि वो गर्दन घुमाना शुरू करता है एंड माउथ से वो दूध पीना शुरू करता है ठीक है तो ये चीजें पहले डेवलप होती हैं डेवलपमेंट प्रोसेस फिर कैसे प्रोग्रेस करता है उसके लिए आपको दो तो, दो टर्म्स याद रखनी है एक हो गया सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट एक हो गया प्रोगी डेवलपमेंट सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट क्या होता है जैसे एक बच्चा ड्रॉ करते हैं पहले कोई ऐसा बच्चा दिखता नहीं है शैतान का बच्चा लग रहा है शक्ल से सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट क्या हुआ कि पहले आपके जो अपर लिम्स है वो डेवलप हो जाएंगे उसके बाद आपके लोअर लिम्स डेवलप होंगे मतलब आर्म्स पहले डेवलप होंगी आपकी टांगों से क्योंकि बच्चा चलना बाद में शुरू करता है लेकिन हाथ से चीजें उठाना वो सारी चीजें वो पहले करता है तो मतलब अपर लिम्स जो है वो पहले डेवलप करेंगे बाद में आपके लोअर लिम्स डेवलप करेंगे तो ये होता है सिर्फेलोकॉडल ठीक है अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ प्रोक्सिमोडिस्टल तो ये डेवलपमेंट कहता है सेंट्रल टू आउटवर्ड्स होती है सेंट्रल टू आउटवर्ड्स दैट मीन्स पहले आपकी आर्म्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे अब बाज पहले शोल्डर्स डेवलप शुरू होना हो जाए शुरू होना हो जाएंगे पहले आप शोल्डर की मूवमेंट जो है इजिली कर पाओगे उसके बाद आप अपने आर्म्स की तरफ आओगे और लास्ट में फिंगर्स की तरफ तो एक सेंट्रल पॉइंट से आउटवर्ड्स एक सेंट्रल पॉइंट से आउटवर्ड्स आपकी डेवलपमेंट हुई है ठीक है एंडसिफिलोकॉडल में क्या हमने देखा पहले आपका अपर पोर्शन डेवलप होता है अपर लिम्स उसके बाद आपकी लोअर लिम्स डेवलप होती हैं ऐसा ही होता है छोटे बच्चों में सेकेंड आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है और कग्नेटिव डेवलपमेंट इस पर सबसे ज्यादा काम किया था आपके स्विस साइकोलॉजिस्ट जीन प्याजे ने तो क्या है जीन प्याजेस इसकी कग्नेटेड डेवलपमेंट स्टेजेस ये हमने सोशलाइजेशन में पढ़ी है सोशलाइजेशन सोशलाइजेश में यह वहां से भी देख सकते हो मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ सेंसरी मोटर स्टेज जीरो टू टू ईयर जैसे हमने अभी इनफैंसी पढ़ा था फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज आपका दो से सात तक कंक्रीट ऑपरेशनल सात से बारह फॉर्मल ऑपरेशन 12 से 18 मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी थोड़ा देख लेना ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है अगर किसी ने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो देख सकते हो सोशलाइजेशन एंड थियोरीज वाला वहां पे आपको जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी मिल जाएगी फिर हो गया सोशल डेवलपमेंट ये भी हमने पढ़ लिया है ये हमने किस चैप्टर में पढ़ा है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में उसमें हमने एरिक Eric एरिक्सन पढ़ा था तो ये आप वहां से देख सकते हो तो आप क्या करोगे आप अभी ये वीडियो चल रहा है ठीक है आप इस वीडियो को पॉज करो अपने वो वाले नोट्स खोलो वहां से वो चीजें रिवाइज करो फिर रिवाइज करके देखने के बगैर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इन वाले नोट्स में लिखो तो इस वजह यहाँ से इस तरीके से आपका वो रिवीजन भी हो जाएगा फिर इमोशनल डेवलपमेंट यह हमें पता है जब इमोशनली बच्चा खुद को रेगुलेट करता है सेल्फ रेगुलेट करना शुरू हो जाता है इमोशनली खुद को कैसे हैंडल करूंगा फॉर फर्स्ट फ्यू मंथ्स इन फैक्ट को जो एक इन्फेंट होता है उनमें सिर्फ कुछ बेसिक इमोशंस होते हैं जैसे फेयर हैप्पीनेस एंगर सरप्राइज डिजगस्ट कुछ महीने तक इनफैक्ट जो है सिर्फ इन्हीं इमोशन से गुजरता है और यूजुअली वो अपने इमोशंस को कैसे डिस्प्ले करता है रो के बच्चे को नींद नहीं आ रही लेकिन वो उसको सोना है तो वो आपको ये नहीं बोल सकता ना मैं थका हुआ हूँ मुझे सुलाओ वो रोएगा बच्चे को भूख लगी है वो रोएगा उसका डायपर गीला है आप डायपर चेंज नहीं कर रहे हो वो रोएगा तो वो सिर्फ डिस्प्ले करता है थ्रू क्राइंग ठीक है जैसे फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है उसके अंदर वो एम्बेरसमेंट प्राइड एंड जेलसी वाले इमोशंस भी आते हैं ठीक है वन की कंपोनेंट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट हैजू डू विद इमोशनल रेगुलेशन आल्सो ओवर द टाइम बच्चे अपने कंट्रोल करना फीलिंग्स शुरू कर देते हैं उनको पता होता है कि मुझे कैसे कंट्रोल करनी है फीलिंग्स मुझे कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है उसको इमोशनल डेवलपमेंट या इमोशनल रेगुलेशन बोलते हैं लास्ट इज योर मॉरल डेवलपमेंट अगेन हमने ये वाली स्टेज भी पढ़ी हुई है ये कहाँ हमने पढ़ी थी कोलबर्ग की जो सिक्स स्टेजेस पढ़ी है हमने मॉरल डेवलपमेंट की ये भी आपको सोशलाइजेशन चैप्टर में मिल जाएगी तो आपको क्या करना है जीन प्याजे और कोलबर्ग ये आप देखोगे सोशलाइजेशन से उनको रिवाइज करोगे और इन नोट्स में उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लोगे एंड और एक क्या आपका रहता था जीन प्याजे हो गया कोलबर्ग हो गया एंड आपका एरिक एरिक्सन एरिक्सन वो किस चैप्टर में है ह्यूमन डेवलपमेंट वाली स्टेजेस के चैप्टर में ह्यूमन स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट तो वहां से वो देख के यहाँ पे उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लोगे रिवाइज करके तो उससे आपका रिविजन भी कम्प्लीट हो जाएगा तो इस साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है मिलते हैं नए चैप्टर में टिल द टाइम अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय टेक यू हैव अ ग्रेट डे